हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ न्यू रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो है अंडे की भुर्जी, जो बहुत ही जायकेदार और चटपटी बनने वाली है। और एक ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ मैं भुर्जी तैयार करूँगी जो बहुत ही जायकेदार बनेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंडे की भुर्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 अंडे लिए हैं और यहाँ पे 1 चम्मच अदरक लहसुन चॉप किया हुआ ले लिया है। 1 मुट्ठी मैंने हरा धनिया लिया है, 2 चॉप की हुई हरी मिर्च ली है, 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं फाइन चॉप किए हुए, 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं फाइन चॉप की हुई। अब अंडों को अच्छे से फेंट लेंगे ताकि हवा इनमें इनकॉर्पोरेट हो जाए और अच्छे से देर तक इसको फेंटते रहेंगे। अब यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें तेल डाल देंगे 1 चम्मच। तेल गर्म होने पर मैं 1 चम्मच इसमें ज़ीरा डालूँगी। अब ज़ीरा हो गया, इसमें मैं डालूँगी प्याज। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा क्रंची रखना है। अब यहाँ प्याज हो गई है, मैं इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन। अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे टमाटर और इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। अब मैं डाल दूंगी इसमें हरा धनिया और इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच भर के पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाले से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता, बहुत ही जायकेदार बनती है। अब हम धीरे धीरे करके अंडा डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्क्रैम्बल चाहिए तो इसको देर तक चलाते रहिएगा और आपको कम चाहिए तो इसको थोड़ा ही चलाइएगा। अभी मेरे 2 बार में अंडा मैंने डाल दिया है और इसको अच्छे से स्क्रैम्बल बन गए हैं। ये देखिए, अच्छे से भुर्जी हो गई है तैयार और आप उसको डिश आउट कर लेंगे। गाइस, ये देखिए, चटपटी सी जायकेदार भुर्जी हो गई है तैयार, बिल्कुल ढाबा स्टाइल वाली। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो ओके, बाय बाय।